Now we will do maths. In maths we had started chapter number 8, shapes, space and patterns. In that we had learnt about flat shapes, solid shapes and patterns. Now we are going to start a new topic, symmetry. Now what is symmetry? That we will see in January every year. People from different parts of India celebrate the harvest. Now, you know what is the meaning of harvest? Harvest means whenever the farmer taking all the crops or they are collected the crops. जब पूरा जो crops होता है वो पूरा ready हो जाता है तब सब मिलके उसको कलेक्ट करके रखते हैं तो उस टाइम को बोलते हैं हार्वेस्ट. दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड मकर संक्रांति इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका पोंगल, इन तमिलनाडु पोंगल, इन तमिलनाडु लोहरी इन पंजाब एंड भोगाली बिहू इन आसाम. तो ये जो सारा क्रॉप कलेक्ट करने का जो टाइम होता है द हार्वेस्टिंग टाइम इज दे ऑल द पीपल इन इंडिया सेलिब्रेटिंग विथ डिफरेंट फेस्टिवल्स. मीन्स इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका दे आर सेलिब्रेटिंग एज मकर संक्रांति, इन तमिलनाडु दे आर सेलिब्रेटिंग एज पोंगल, इन पंजाब दे आर सेलिब्रेटिंग एज लोहरी एंड इन आसाम they are celebrating as Bhogali Bihu. It is also the day that people fly kites as part of the Uttarayan festival in Gujarat. और ये जो time होता है वो हमारे गुजरात में कौन सा festival celebrate करते हैं तो वो है उत्तरायण. So at that time we are flying kites in Uttarayan, in specially in our Gujarat. See, here are two pictures of kites are there. Look carefully at the kites. Did you notice that both halves of the kites are exactly the same? We can say that that kite is symmetric. Now here we can see the whole kite is there. In the middle of the kite a line is there and both the parts are same. So we can say that kite is symmetric. किसी भी शेप में बीच में एक लाइन होती है और दोनों साइड सेम रहती है उसे बोलते हैं symmetric. Let us try this out with another shape. Now we will see more about the symmetric. Take a piece of paper and fold it in half. एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लो और उसको फोल्ड कर दो, मतलब जो जो भी पेपर है उसको एक साइड से एक में डबल, मतलब पूरा डबल है उसका आधा हो ऐसे आपको उसको फोल्ड करना है. देन ड्रॉ द कर्व्स फॉर्मिंग अ बटरफ्लाई विंग. और फिर उस पे जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है ये जो पूरा पेपर है उसको फोल्ड किया है और एक साइड पर ही आपको ऐसे बटरफ्लाई की विंग्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ दिस मच वेरी इजीली, इट्स नॉट हार्ड. एंड आफ्टरवर्ड व्हाट विल वी सी, कट द फोल्डेड पेपर अलोंग द लाइंस यू हैव ड्रॉन. अब आपने जो लाइंस ड्रॉ की है उससे आपको ये पेपर कट करना है, उसमें पेपर के दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं तो उसी तरह ये पूरा कट हो जाएगा. Unfold the piece you have cut out. आपने तो एक में ही ड्रॉ किया था पर दोनों पेपर ऐसे फोल्ड किए हुए हैं तो दोनों को एक साथ कट करोगे और फिर उसको जो फोल्ड किया है उसको खोल दोगे तो क्या मिलेगा? You will find that you have made a butterfly with matching wings. आपको ऐसा लगेगा कि आपने मैचिंग विंग्स से बटरफ्लाई ड्रॉ किया है. See, so now it is, you can see this butterfly. You had drawn only one side but
द पेपर वॉज फोल्डेड एंड यू हैड कट द पेपर आफ्टर द ड्रॉइंग सो एंड वेन एवर यू सी इट अनफोल्ड एट दैट टाइम यू कैन सी द होल बटरफ्लाई सी लाइक दिस दिस आर द बटरफ्लाइज दिस वन एंड दिस वन बोथ द साइड्स आर सेम दिस इज अ सिमेट्रिक फिगर यू कैन फोल्ड इट एंड मेक इट मैच द फोल्ड इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये जो बीच में से हमने पेपर फोल्ड किया था यहाँ पर जैसे ये लाइन है तो ये जो हमने पेपर फोल्ड किया था ये जो लाइन है उसे बोलते हैं सिमेट्री लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वॉट इज द सिमेट्री. सो नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल. टिक दोज शेप्स दैट आर सिमेट्रिकल. इसमें से कौन से शेप सिमेट्रिकल है वो आपको टिक करना है एंड आई होप यू कैन डू दिस. इट्स वेरी इजी. ओके नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. लाइन ऑफ सिमेट्री. द लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन वेर यू कुड फोल्ड एन इमेज एंड हैव बोथ हाल्व्स मैच एग्जैक्टली. मतलब सिमेट्रिक लाइन मतलब क्या है कि किसी भी शेप को एनी शेप यू कैन टेक और उसको फोल्ड करने से दोनों साइड में सेम साइज रहता है तो वो है सिमेट्री लाइन. सी हियर यू कैन सी टू ट्राइंगल्स आर देयर. सी दिस इज द ट्राइंगल एंड यू हैव ड्रॉन द लाइन इन द मिडल एंड मीन्स इफ यू विल फोल्ड दिस ट्राइंगल सो बोथ द ट्राइंगल विल बी सेम. बट हियर यू कैन सी सी वन ट्राइंगल इज लाइक दिस एंड वन ट्राइंगल इज लाइक दिस एंड नाउ इफ यू ड्रॉ अ लाइन हियर इन दिस ट्राइंगल एंड इफ यू फोल्ड देन इट विल लुक्स लाइक दिस. सो देर इज नो सिमेट्रिक लाइन. दिस लाइन इज नॉट सिमेट्रिकल लाइन बिकॉज इफ यू विल Fold it from here, both the sides are not same. Now here another example. Look at these international symbols used at airports. Airports पे जो symbols है वो आप देख सकते हैं. Baggage claim. The dotted line is a line of symmetry. बीच में अगर हम यहाँ पर line draw करेंगे तो दोनों side same आता है. So this is symmetry line. Now on the next picture. This vertical line is there. So this line is not line of symmetry. Why it is not like that? Because both the side of the line are not same. Here is some other picture and here is not the same picture. So this is not the symmetry line. And this toilet, this symbol is not symmetrical. और ये जो सिंबल है उसमें भी बीच में लाइन ड्रॉ की है बट दिस सिंबल इज नॉट ऑल्सो सिमेट्रिकल बिकॉज इन द बोथ द साइड द पिक्चर इज नॉट सेम. सो लाइक दिस यू कैन डू द प्रैक्टिस फॉर दिस सिमेट्रिकल. हियर आर सम मोर एग्जांपल्स दैट आर गिवन. मार्क द लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइन इफ एनी ऑन दिस सिंबल्स. ये जो तीन सिंबल है उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आइदर यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो क्या ये तीनों में सिमेट्रिक है तो वो आपको देखना है. सो यू हैव टू डू दिस शेप्स बाय योर सेल्फ. इन विच पिक्चर यू कैन ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन. सो यू जस्ट ट्राई टू डू बाय योर सेल्फ. एंड नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 8C. दीज इमेजेस आर फ्रॉम वेरियस फेस्टिवल्स इन इंडिया. मार्क द वंस दैट आर सिमेट्रिकल. नाउ सी हियर वी कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन. सो इफ वी आर ड्रॉइंग इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन दिस पिक्चर पोंगल पॉट लाइक दीज अ स्ट्रेट लाइन. सो बोथ द साइड सेम डिजाइन विल बी देयर सेम शेप्स विल बी देयर. सो दिस इज symmetrical. Second one, lorry. If we draw the line, is it the same? No, it is not the same. Third one, Christmas star. Now here if we draw a line in the middle,
So the both the sides, the design, the shape will be same. So this is symmetrical. Bihu Japi. So this is the, if we draw a line in between, both the sides will be same. So this is symmetrical. Gudi Padwa. If we draw a line, both the sides will not same. So this is not the symmetrical. And Onam Pokolam. If we draw a symmetrical line, both the sides will be same. Same shapes will be there on the both the sides. So this is symmetrical. Like this, is the dotted line the line of symmetry? Say yes or no. अब यहाँ पर जो फिगर्स दिए हैं, जो शेप्स दिए हैं, उसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की है, तो क्या वो सिमेट्रिकल लाइन है वो हमें बताना है. द फर्स्ट वन हियर, यस इट इज. द सेकेंड वन, नो इट इज नॉट, बिकॉज हियर द अपर पार्ट ऑफ दिस लाइन इज इन कर्व एंड हियर इट इज नॉट लाइक दैट. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल लाइन. द थर्ड वन, यस सिमेट्रिकल लाइन इज देयर बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर सेम. हियर ऑफकोर्स नॉट, इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल लाइन, बोथ द शेप्स आर नॉट सेम. एंड हियर बोथ द शेप्स आर सेम, सो दिस इज सिमेट्रिकल. नाउ थर्ड वन, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन दिस शेप्स. यहाँ पर जो शेप्स दिए गए हैं उसमें आपको सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है. सो हाउ विल यू ड्रॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. हियर ऑल्सो इन द मिडल यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. हियर ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. हियर यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एंड हियर ऑल्सो वर्टिकल लाइन. सो दैट विल बी सिमेट्रिकल लाइन. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वॉट इज द सिमेट्रिकल लाइन. सो यू जस्ट रिवाइज दिस एंड यू कैन ड्रॉ द शेप्स यूजिंग सिमेट्रिकल लाइन एंड बोथ द साइड शुड बी सेम. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस. सो यू डू दिस वर्क एंड वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.